नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस के जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ताकि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एग्ज़ाम आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है जी। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें GJU के एग्ज़ाम में अपियर होना है। आपको सबसे पहले URL पे जाना है। ये URL आपको ईमेल कर दिया जाएगा। इस URL पे जाने के बाद आपको अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको कैप्चा वेरीफाई करना है। ये सब करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो भी टेस्ट आपको देना है वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। आपको कंटिन्यू का बटन दबाना है और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते ही सिस्टम आपके इंटरनेट, आपका ब्राउज़र, आपका माइक्रोफोन और आपका कैमरा चेक करेगा। जैसे ही ये सब वेरीफाई हो जाएंगे, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपका कैमरा या माइक्रोफोन पे टिक नहीं आता है, तो आप एक बार इस लॉक बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपने इनको एक्सेस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। इनकेस अगर आपने एक्सेस नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना फोटो क्लिक करना है। अब आपको अपना आईडी कार्ड क्लिक करना है। इस पेज को हम वेटिंग लाउंज बोलते हैं। यहाँ पे आप अपने टेस्ट से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपका टेस्ट का शुरू होने का समय आएगा, प्रोसीड नाउ का बटन ग्रीन हो जाएगा। आप यहाँ पे कंसेंट दे करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आ गया है। इस पेपर को मैं अटेम्प्ट करने के लिए पेन और पेपर का यूज़ करूँगा, और इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर पेन और पेपर की सहायता से लिखूँगा। अपने आंसर शीट लिखने के बाद मैं यहाँ पे व्यू आंसर शीट यूजिंग मोबाइल पे क्लिक करूँगा और स्क्रीन पे आए हुए QR कोड को QR कोड एप्लीकेशन के सहायता से स्कैन करूँगा। इसके बाद मेरी स्क्रीन पे ये कैमरा का आइकन आ जाएगा। इस पे क्लिक करके मैं अपनी आंसर शीट की फोटो ले सकता हूँ और अपलोड कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक आंसर शीट अपलोड किया है। आंसर शीट चेक करने के लिए आपको व्यू अपलोडेड इमेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके अपलोड किए हुए फोटो आपके सामने अवेलेबल होगा। आप क्लैरिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इमेज क्लियर नहीं लग रही है, तो आप इमेज सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके अपलोड करना है। QR कोड के अलावा एक और ऑप्शन आपको दिया गया है आंसर शीट अपलोड करने के लिए। आप आंसर शीट कंप्लीट करके एक सिंगल PDF बना सकते हैं
उस पीडीएफ को यूएसबी केबल के थ्रू अपने डेस्कटॉप पे ट्रांसफर करके आप क्लिक टू ब्राउज एंड अपलोड आंसर शीट पे क्लिक करें। अपना आंसर बुकलेट सेलेक्ट करें और अपलोड करें। आप ऐसे भी आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। फाइल वेरीफाई करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चेक कर सकते हैं कि जो पीडीएफ मैंने अपलोड करी थी कि वही अपलोड हुई है या नहीं हुई है। इसी प्रकार से आपको अपना जीजीयू का सारे एग्जाम देने हैं। प्लीज अपने ईमेल पे आए हुए मैनुअल को एक बार पढ़ लें और मॉक में सारे दिए अपलोड ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अपना एग्जाम देने के बाद और सारे फाइल अपलोड करने के बाद आप एंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करके यस सबमिट इट पे क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा एग्जाम सबमिट हो चुका है। ये मैसेज आने के बाद आप अपना ब्राउजर क्लोज कर सकते हैं।